यार आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आ गए हैं जो बहुत ही पुरानी हवेली में। इधर ये एक डंबल पड़ा हुआ है जिससे मुझे लगता है कि जिन्नात विन्नात जो हैं वो अपनी जिम शिम लगाते होंगे। और इसी घर में दरख्त भी है, देखो अजीब सा पता नहीं। और यहाँ पे मुझे एक कमरा सा नज़र आ रहा है, इसमें मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। अंदर से मुझे फीलिंग आ रही है कि ना जाऊँ कुछ, क्योंकि इधर ही कुछ ना कुछ हो सकता है। तो चलो यार चल के देखते हैं, क्योंकि ऑडियंस को भी तो फदून आना ना समझो। यार जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं आ गया हूँ जी अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ही पुरानी पुरानी लकड़ियाँ सी पड़ी हैं, और यहाँ पे ये हांडी पड़ी हुई है। इसमें मुझे लगता है जिन्नात विन्नात अपना खाना शाने का सीन करते हैं। इधर ही बैठ के सही मस्त मोल दे मीठे चावल। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये देखें जैसे ये क्या है यार, ये बॉल हैं, ये किसके बॉल हैं? अस्तग़फ़िरुल्लाह, मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। तो यार आप लोगों ने जैसा कि देखा कि यहाँ पे बहुत ही डरावनी डरावनी चीज़ें हुई हैं। मेरे सामने बॉल नज़र आ गए मुझे, तो मेरे पास एक यहाँ पे इस हवेली के ओनर खड़े हुए हैं, उनसे हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या क्या देखा है और ये क्या क्या होता है यहाँ पे। तो आइए उनसे बात करते हैं। यार मैं सुने ने इतने घुंगरू की आवाज़ा बड़िया सुनिया ने, मैं इतने इस हवेली बिच मेरी हवेली है, तो मैं एक बंदे ने भी वेखिया सी, वो जड़ा है ना इंसान सी, इतने खलोतिया सी जिम लाँदा पे सी, तो एकदम वो ना कुत्ता बन गया। तो मैं उतू नस पिया। आपने देखा? जी जी मैं वेखिया, क्यों नहीं वेखिया मैं। चलिए जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बता दिया कि इस घर में कुछ ना कुछ है। हम वैसे तो जाएंगे क्योंकि यार पाकिस्तान का पहला पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वाला चैनल है, तो हम लोगों ने जाना पड़ेगा। तो ठीक है आप जा सकते हैं यहाँ से, मैं चलना, मेरे पैसे दे रही हूँ, जैस कैश हो जाऊँ तो वो ज़्यादा चंगे है ना। याद कीजिए क्या कर दें आप, बोल रहे थे अंदर इधर पैसे इसके कटेंगे, 200 रुपया कटेगा इसका, टोटल आपको 1000 रुपया मिलेगा। 1200 की बात हुई थी लेकिन 1000 रुपया मिलेगा क्योंकि आपकी एक्टिंग नहीं अच्छी थी। ब्रह मेहरबानी कमज़ोर दिल वाले हजरात ये मंजर ना देखें। लेकिन चंद मकामात ऐसे भी हैं जहां इनको कई शक्लों में देखा गया। वेट वेट वेट, इतनी गंदी क्वालिटी है ना, एक तो वॉइस क्वालिटी गंदी, ऊपर से वीडियो क्वालिटी कितनी गंदी। वैसे मुझे तो मेरी वीडियो क्वालिटी या वॉइस क्वालिटी बहुत ज़्यादा गंदी थी, लेकिन आज चलो थोड़ा सा आसरा हो गया इंसान, क्योंकि हमसे भी नीचे कोई ना कोई है। ओके घंटे बाद उन्होंने शुरू किया। बता सके हमें अनवर भाई, आपने हमें ये तो बताया क्या जगह का नाम है इलाके का? ये घूंघट भूत जिन्हें बड़े बड़े, ये गंदा काट था भाई, काट के गंदा मारा है इन्होंने, देखना अभी इसने नाम पूछा जगह का, क्या जगह का ये देखो जगह का नाम, ये घूंघट भूत जिन्हें बड़े बड़े गंदा काटा, गंदा बिल्कुल गंदा जी बंदे। यार आगे से मेरे ख्याल से वो स्क्रिप्ट भूल गया होगा ना, तो इसलिए उन्होंने कहा चलो दूसरा शॉट तो लेना नहीं, तो इधर ही से आगे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कोई नहीं, हम तो पागल है, देखे हम लोगों ने देखे कुछ होलिया उनका, जैसे गिदड़ जैसे होते हैं काला काला होलिया उनका, जैसे गाय के बछड़े होते हैं छोटे गधे, जैसे नहीं वो होते ही गाय के बछड़े, वो होते ही गिदड़ है जो फिरते रहते हैं गाँव शाव में, ये है भी गाँव वाली जगह ऐसे जानवरों के शक्ल में। तो अनवर भाई क्या पता जानवर ही हो जंगल, तो नहीं जानवर नहीं है। अच्छा हाँ जानवर है, जानवर बिल्कुल नहीं। क्या देखा है? जैसे इंसान होता है ना, इंसान का डर नहीं होता है। ये सारी शक्लें तस्वीरें ये कैसे बनी यहाँ पर? वेट कौन सी तस्वीर? What the fuck यार, कसम मुझे ऐसी यार की देख के हॉरर शो नहीं, ये फनी मुझे लग रहा है यार तस्वीर। एक जो घर होता है ना जहाँ पे कोई नहीं जाता, कोई खाली घर होता है गाँव की तरफ, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आके ना वहाँ पे बना देते हैं ड्राइंग वगैरह। जिन्होंने क्या पड़ी हुई, वो आके यहाँ पे ये चीज़ें बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, उनको क्या पड़ी हुई है? हाँ जी हम लोग ये चीज़ें बनाएंगे तो इंसान आके देखेंगे तो वो डर जाएंगे, वो दहली ये डरने वाली तस्वीरें हैं, ये डरने वाली नहीं। कोई तो कोई अकल को हाथ मारो यार तुम लोग, कुछ तो अकल को हाथ मारो। तुम लोग यहाँ पे रहते हो, आज तुम लोग आए हो यार, अभी बल्कि 2 घंटे भी नहीं आए होंगे तुम लोगों को, अभी तुम लोग आए हो। नहीं ना, क्या बना हुआ है? जानवर बना हुआ है।
हाँ बस कोई भी चीज़ है, कोई बनी हुई तस्वीर, उस पैसे कर के जूम मार के धन धन का म्यूजिक लगा दो बस। अच्छा, यहाँ पे स्क्रिप्टेड बंदा आ गया, एक्टिंग हो नहीं रही, स्क्रिप्ट इसको याद ही नहीं है। वो घुंगरू वाली, वो शिट घुंगरू, हाँ घुंगरू। अगर जो थंबनेल में था यार वो बताओ, जिनका बच्चा जानवर की शक्ल में आ गया, इधर वैसे 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 चिवनिया मारते रहेंगे जी। कोई भी मतलब कुत्ता बोर, सुनो कुत्ता बोर, वो तो कुत्ते ने भोंकना ही, और क्या करना, उसका क्या काम है, उसने तुम लोग इधर आ गए यहाँ पे कंटेंट नहीं बनाना, वो उसने भोंकना ही। जब जब मैं बात करता हूँ ना दरख्त, शाम में भी ऐसा ही हुआ था। ओ शिट, जब जब बात करते हैं दरख्त चला जाते हैं। वो दरख्त भी कह रहे यार मुझे सोने दो, रात के टाइम कसम मुझे सोने दो, इस टाइम तुम लोग आके यहाँ पे लाइटें मेरे मुंह पे मारो। मुझे लगता है ये सीरियस नहीं लोग, बस जाने ये रिप्ले दिखाते रहेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज का रिप्ले और स्लोमो का रिप्ले, उस ऑनलाइन कर करके जो है ना 27 मिनट की ये वीडियो लेंगे। हालांकि ये बनती, अगर ये सारी चीज़ें बीच में कान के ना ऑकवर्ड साइलेंस निकाल दें, उसके बाद इधर उधर जो फिर रहे हैं अभी फालतू में जो कैमरे मार रहे हैं, आगे मैंने इधर कीड़म पर भी कैमरे मारते, छिपली जा रही है उस पर कैमरा मारते, वो शूट भी कर चीज़ वो शूट, जैसे मैंने कभी छिपली देखी नहीं, बता है चूना उतरा वहाँ पर मार रहे हो, शूट कभी नहीं चूना उतरा हुआ देखा नहीं। ये अगर सब कुछ निकाल देना ये लोग बीच में से, इनके वीडियो बनेगी कोई 8 मिनट और 1 सेकंड की इनकी वीडियो बनेगी। ओके तो ये जा रहे हैं जी ऊपर, अब देखते हैं इधर इनके क्या ड्रामा होता है। दिखा दे हम हैं कहाँ पर, वो देखो यार। और ये कोई जो आवाज आई है ना, आप लोगों को भी सुनाई दी होगी कि ये जो है ना कोई आई थिंक कोई गाय शे की आवाज है, या किसी भैंस की आवाज है, रात को बोलती है यार, जो किसी को गुस्सा आया हो या कोई प्रेग्नेंट गाय भैंस हो वो बोलती है इस तरह रात को। तो अभी आगे देखें ये बढ़ जा रहा है, कहेंगे और गाय नहीं उसकी, वो देखो कस में मुझे पता था गाय भैंस भी है तो ऐसा। कुत्तों कुत्तों की आवाज आ रही, कुत्तों ने बोलना होता है पहले भी कह चुके कुत्तों ने भोंगना होता है, उनको और कोई काम रात को भोंगती भोंगते। ओके तो आया जी छत पे, ये तो कोई असल मुझे लग रहा है। सॉरी कुत्ता हो सकता है, हालांकि ये हिला है थोड़ा सा, टेबल शेबल तो नहीं हो सकता कोई, ये कुत्ता होगा, गिद्धड़ चढ़ जाते हैं यार छतों पे भी, ये ना कहना कि वो छतों में नहीं आ सकते, मैं दफे मार जाऊंगा तुम लोगों को। है भी ये गांव की तरफ और वहाँ पे कच्चे मकान होते हैं, तो उधर किसी ना किसी तरह वो आ जाते हैं अंदर, नीचे से आए होंगे, सुबह आए होंगे, बैठ गए होंगे बस। अगर तो ये डर गए जी कुत्ते से, और ये इन्होंने लगाया था थंबनेल में कि जिनका बच्चा कुत्ते की शक्ल में आ गया, नाइस, कितना बेवकूफ लगते हैं यार तुमको। और नीचे इनके कमेंट भी आओ यार, चलो देखना है तो ठीक है देखो एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए, जैसे हम लोग हॉरर मूवीज देखते हैं वो भी हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, हमें पता होता है वो ओरिजिनल नहीं होती, लेकिन उसके नीचे कमेंट देखो अल्लाह आपको कामयाब करे। पता है क्या मतलब कामयाब करे, वो जहाज पे जा रहे हैं, अगले जंग पे जा रहे हैं, वो लोग जो कामयाब करे तुम लोग। दरख्त आ गए, अब दरख्त पे आ गए यार, ना अब ये ना कहना कि इधर कोई रहता है जिन की। क्या लग रहा है, मैं जब जब इस मखलूक से मुखातिब या कुछ होने की कोशिश करता हूँ ना ये होना शुरू हो जाता है, इस सब देख रहे हैं आपके सामने ये होना शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ पे हवा चल रही है, ऊपर से मैदानी लग गया, तो मैदानी इलाकों में बहुत ज्यादा हवा चलती है, तो इसलिए दरख्त भी ये होने शुरू हो जाता है। साथ है, साथ बाकी अगले हफ्ते नहीं, मैं नहीं देखूँ मैम, 27 मिनट जो है ना लाइफ का जिया है ये, अगर आप लोग देख रहे हैं तो 27 मिनट आपकी लाइफ जिया होगी यार, इस एक एपिसोड में इतनी नुक्स, इतनी फनी चीजें, मतलब इसका नाम बदल के रख दो वो क्या है, फनी फनी मोमेंट्स, कंपाइलेशन बना दो वो क्या है, फनी मोमेंट्स बस। और इनके सबसे ज्यादा फनी जो है ना इनके थंबनेल होते हैं, खूबसूरत चुड़ैल की सज्जाद भाई के सामने आकर दोस्ती की ऑफर, चुड़ैल तो चुड़ैल होती है, देखिए फिर सज्जाद भाई के साथ क्या हुआ।
अब यार इनको लड़की मुंह नहीं लगाती से चुड़ैल लो और ये सही है यार ठीक है सही है गुड है। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई कोई तकलीफ नहीं होती। अगर तो मैंने बस वही देखने के जहाँ पे सजाद भाई को चुड़ैल ने दोस्ती की ऑफर की है वहाँ मैंने उसकी आवाज़ सुनी है चुड़ैल की मतलब है कि मैंने आज तक कभी सुनी नहीं है तो इसीलिए क्यूरियोसिटी है अंदर मेरे। हम यहाँ कोई नुकसान हाँ नुकसान पहुँचाने नहीं है तुम लोग उसको नुकसान पहुँचा भी नहीं सकते अगर तो कोई है अगर अपना बंदा है आप लोगों का उसका तो आप लोग पहुँचा ही सकते हो नुकसान लेकिन अगर कोई और चीज़ है तो आप लोग उसको नुकसान पहुँचा भी नहीं सकते। वो भी कह रहा होगा सुन के यार कैसे कैसे बंदे आ जाते हैं यार इधर को हमें नुकसान पहुँचाओगे तुम लोग। दोस्ती की ऑफर थी वो नहीं मैंने देख सका पता नहीं क्यों मतलब इट्स अ फेक शो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखना है तो ठीक है देखो ठीक है कोई नहीं कह रहा चल बस ये थी कुछ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हॉरर शो जो मैंने आज देखनी है मुझे पता नहीं मैं सो भी सकूँगा यानी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ड्रामनी से ज़्यादा जो है ना ये फनी थे इतनी फनी क्लिप मतलब ड्राइंग तो नहीं है यार या मैं दोबारा कहूँगा फेक शो है कोई नहीं फालतू बिल्कुल अगर तो हाँ टाइम पास के लिए देखना है तो देखो ज़रूर देखो लेकिन इसको सीरियस नहीं लेना बिल्कुल भी।